हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दादीज हेल्पलाइन में। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। सब्सक्राइब करने से आपको यहाँ पर बेल आइकन दिखेगी, उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बेल आइकन को दबाने से आपको मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको सबसे पहले उसकी सूचना ज़रूर मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल डोगमा थ्योरी के बारे में, यानी सेंट्रल डोगमा सिद्धांत क्या था। ये सेंट्रल डोगमा सिद्धांत है सबसे पहले क्रिक ने बताया था। अब क्रिक ने क्या बताया था उसके बारे में आज हम देखेंगे कि सेंट्रल डोगमा सिद्धांत क्या होता है। सेंट्रल डोगमा थ्योरी, ये सेंट्रल डोगमा थ्योरी थी। ये सेंट्रल डोगमा थ्योरी सबसे पहले दी थी क्रिक ने। क्रिक ने दी थी ये 1958 के अंदर, 1958 के अंदर क्रिक ने दी थी सेंट्रल डोगमा थ्योरी। अब क्रिक ने सेंट्रल डोगमा थ्योरी के बारे में क्या बताया था। क्रिक ने बताया था कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन होता है, यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो संचरण होता है कॉम्बिनेशन एक ही दिशा में होता है, यानी जेनेटिक फॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन एक ही दिशा में होता है। अर्थात जेनेटिक फॉर्मेशन एक ही दिशा में होएगा, एक ही दिशा में डीएनए से आरएनए तथा आरएनए से प्रोटीन में बदल जाएगा। यानी क्रिक ने कहा था कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए है, ये डीएनए आरएनए में बदलेगा, आरएनए में बदलेगा या ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन, यानी अनु डीएनए आरएनए में बदलेगा अनुलेखन के द्वारा, और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होगा किसके द्वारा, ट्रांसलेशन के द्वारा। ट्रांसलेशन यानी अनुवादन के द्वारा, यानी डीएनए अनुलेखन के द्वारा आरएनए में बदलेगा और आरएनए अनुवादन के द्वारा प्रोटीन के अंदर बदल जाएगा, ये कहा था क्रिक ने। अब इसके बाद में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की अवधारणा, यानी कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की अवधारणाएं हैं, तो अपन उन अवधारणाओं को देख लेते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की अवधारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की अवधारणा। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की तीन अवधारणा थी। पहली अवधारणा तो थी अनडायरेक्शनल, अनडायरेक्शनल फ्लो, अनडायरेक्शनल फ्लो था ना, इसको सबसे पहले बताया था क्रिक ने, इसको सबसे पहले बताया था क्रिक ने। क्रिक ने इसके बारे में बोला था डीएनए से आरएनए का निर्माण होगा, आरएनए से कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होगा ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होगा ट्रांसलेशन के द्वारा। ये तो थी अनडायरेक्शनल फ्लो। सेकंड थी सर्कुलेशन फ्लो, सर्कुलर सर्कुलर फ्लो,
सर्कुलर फ्लो क्या थी? सर्कुलर यह जो सिद्धांत था, यह सिद्धांत दिया था बेरी कामनर नामक वैज्ञानिक ने, सर्कुलेशन फ्लो के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि डीएनए आरएनए को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा प्रोटीन बनने के में सहायता करता है या प्रदान करता है। अर्थात ये हुआ कि डीएनए आरएनए द्वारा भेजी गई सूचनाओं को ना अमीनो एसिड में ट्रांसफर कर देता है तथा प्रोटीन आरएनए सिंथेसिस को निर्देशित करता है। यानी इस इनके अनुसार था कि डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन है प्रोटीन का सिंथेसिस होके या आरएनए को सूचना देगा और आरएनए से सूचना वापस डीएनए में चली जाएगी। यानी ये था, डीएनए से सूचना आएगी आरएनए में, आरएनए से सूचना आएगी प्रोटीन, प्रोटीन से आरएनए, आरएनए से वापस डीएनए, आरएनए से डीएनए तो हो जाएगा अनुलेखन के द्वारा, आरएनए से प्रोटीन अनुवादन के द्वारा, प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा, प्रोटीन से आरएनए का निर्माण हो जाएगा और आरएनए से सूचना डीएनए में। ये बताया था बेरी कामनर ने। तीसरा था रिवर्स फ्लो। रिवर्स फ्लो, रिवर्स फ्लो था, ये दिया था टेमिन और उनके साथियों ने बताया था रिवर्स फ्लो के बारे में कि रिवर्स फ्लो क्या होता है। रिवर्स फ्लो के बारे में बताया था कि उन्होंने कहा कि जो कैंसर उत्पन्न करने वाले वायरस होते हैं ना, उनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में आरएनए होता है ना, वो डीएनए में परिवर्तित हो सकता है। ये था रिवर्स सेंट्रल डोगमा सिद्धांत के नाम से जाना जाता है इस रिवर्स फ्लो को। यानी इनके अनुसार था कि जो डीएनए से आरएनए तो बन जाएगा, कि डीएनए से आरएनए का निर्माण हो जाएगा, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा ये आरएनए से वापस डीएनए का निर्माण हो सकता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम के द्वारा डीएनए से आरएनए बन जाएगा ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, और आरएनए से वापस डीएनए बन जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम के द्वारा। ये कैंसर उत्पन्न करने वाले वायरस होते हैं उनमें इसको देखा गया था, और जब डीएनए से वापस डीएनए का निर्माण होता है ना, तो इसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। यानी डीएनए की प्रति डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से जाना जाता, और आरएनए से वापस अपना प्रोटीन तो बन ही सकता, आरएनए से वापस अपना प्रोटीन तो बन ही सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।